बच्चों कैसे हो? सभी ठीक प्रकार से होंगे, अच्छे होंगे। तो आज कक्षा नवी में पाठ पहला सिद्दीक में दो बैलों की कथा, दो बैलों की कहानी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कि इस पाठ को मैं यहाँ पर दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे पहले रह गए थे पाठ को देखने से वीडियो को, इस वीडियो को मैं वापस दोबारा पढ़ा रहा हूँ, दोबारा इस वीडियो को देखें। जूरी के पास दो बैल थे, एक का नाम था हीरा और दूसरे का मोती। दोनों होशियार ताकतवर थे, लंबे समय से साथ साथ रहते हुए उन दोनों बैलों में गहरा प्रेम हो गया था। वे साथ साथ खाते और साथ साथ खेला करते थे, एक दूसरे को चाट सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे तथा आंखों से भी एक दूसरे के सुख दुख को महसूस करते थे। एक बार क्या हुआ कि जूरी ने अपने दोनों बैल के हीरा और मोती को जूरी ने अपने साले के यहाँ पर बेच दिया और जूरी का जो साला था, जूरी का साला इन बैलों की कोई कदर नहीं करता था। बैलों ने समझा कि मालिक ने उन्हें बेच दिया है, इसलिए वे अड़ गए। जूरी का साला उन्हें आगे ढकेलता तो पीछे दौड़ लगाते। मुश्किल से वे शाम को नई जगह पहुंचे, वहां भी उनका मन नहीं लगा और उन्होंने चारे को मुंह तक ना लगाया। अंत में क्या हुआ कि दोनों जो बैल थे हीरा और मोती, वो जूरी के जो घर से दोनों रस्सी, मोटी रस्सी से उनको बांध रखा था, वो रस्सी तोड़कर वहां से भाग आए और भाग आने पर उनको कई समस्या को सामना करना पड़ा। तो पहली समस्या ये थी कि जब वो वापिस जूरी के घर पे जा रहे थे, अपने जो पुराना जो मालिक था उसके घर पे जा रहे थे, तो उनको बीच में एक सांड से आक्रमण करना पड़ा। अचानक मतलब हीरा मोती के सामने बहुत बड़ा सांड आ गया। दोनों डर गए कि अब मुकाबला कैसे करें। हीरा ने मोती को सलाह दी कि अब दोनों उस पर मिलकर हमला करें। दोनों ने यही किया। सांड एक सींग मारता तो दूसरा उसके पेट में अपनी सींग घुसा देता। सांड को दो शत्रुओं से एक साथ लड़ने की आदत नहीं थी, इसलिए वे बेदस होकर गिर पड़ा, मतलब एकदम घायल होकर गिर पड़ा और दोनों को उस पर दया आई और उसे छोड़ दिया। फिर उसके बाद में हीरा मोती एक मटर के खेत, मतलब वो भूखे थे काफी दिनों से, उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिला था, तो बीच में उनको एक मटर का खेत मिला। मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया और दोनों ने मटर के खेत को खाना शुरू कर दिया। बीच में वहां पर वे दोनों मटर के खेत पर खा रहे थे, तो बीच में यानी कि उनको वहां से उनको पकड़ लिया गया। दोनों को उनके मालिक ने उनको जो मटर का खेत का जो मालिक था, उन्होंने वहां पर उनको पकड़ लिया और कहां पर बंद कर दिया, कांजी हाउस में ले जाकर बंद कर दिया। कांजी हाउस होता है जानवरों का एक रहने का स्थान, वहां पर उनको बंद कर दिया गया। कांजी हाउस में उन्हें खाने के लिए कुछ ना मिला। वहां पर पहले से कई भैंसे, बकरियां, घोड़े तथा गधे थे, सभी के सभी भूखे प्यासे थे। भूख के कारण हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटना शुरू की। रात के समय हीरा
इतने में चौकीदार लालटेन लेकर वहां पहुंचा। उसने हीरा को कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने जवाब दिया, बंध गए तो क्या हुआ, अगर दीवार टूट जाती तो कई जाने आजाद हो जाती, मतलब कई जानवर आजाद हो जाते। अब मोती को भी जोश आ गया, उसने बड़े जोश से दीवार में सींग मारा। 2 घंटे तक अजमाइश करने के बाद में उसने लगभग आधी दीवार गिरा दी। सभी जानवर की जान में जान आई। सबसे पहले घोड़ियां भाग निकली, फिर बकरियां और भैंसे भी भागी, गधे वहीं खड़े रहे। बोले, भागने का क्या फायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मार मार कर भगाया, किंतु हीरा रस्सी से बंधा था, कैसे भागता। हीरा ने मोती से कहा, वह भाग जाए, पकड़े जाने पर उसकी खूब पिटाई होगी। किंतु मोती बोला, मैं विपत्ति में तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। वह भी वहीं सो गया। सुबह होते ही कांटी हौज के कर्मचारियों में भूखा मच गया। उन्होंने मोती की खूब पिटाई की और रस्सियों से बांध दिया। हीरा मोती 1 सप्ताह तक वहीं बंधे रहे। उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला, बस दिन में एक बार पानी मिलता, दोनों की हड्डियां निकल आई। वो कभी वो कमजोर हो गए थे, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। एक दिन उनकी नीलामी होने लगी, कोई भी खरीदार उन्हें ना खरीदता। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। कसाई जिस तरह उनके कुल्हे में उंगली बोलकर देख रहा था, उससे वह दोनों कांप गए। नीलाम होकर दोनों दरियल कसाई के साथ चले। वे अपने भाग्य को दोष देने लगे। कसाई ने दौड़ाए जाता, रास्ते में गाय बैल का झुंड नजर आया। वे सभी खुश होकर उछल कूद कर रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे कि आप कितने स्वार्थी हैं, उन्हें अपनी परेशानी की कुछ फिक्र नहीं है। अब लास्ट में अंत में ये हुआ कि कसाई ने उनको मोटी रस्सियों से बांध रखा था, वहां वो दोनों रस्सियां तोड़कर वहां से भाग गए और अंत में जूरी के घर पर आ पहुंचे। और जूरी ने उन दोनों को वापस अपने गले लगा लिया। और जूरी ने जब ये दशा देखी तो जूरी के आंखों से आंसू टपकने लगे, उनके प्रेम को देखा। इस प्रकार इस पाठ के अंदर यह बताया गया है, जोरी अपने जो हीरा मोती जो उसके जो दोनों बैल थे उससे कितना प्रेम करता था, और अंत में वह दोनों किस प्रकार जोरी के घर पर वापस आ गए थे। धन्यवाद। सभी को एक पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हमें पीडीएफ के द्वारा इसके प्रश्नोत्तर भेज रहा हूँ, सभी फेयर कॉपी में करें और उसको याद करें।